एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने लोग आए हैं उसमें सिद्ध साधक कितने हैं और सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, जिन्होंने 10-11 माला सुबह से की है वो लोग हाथ उठाएंगे। मुझे लग रहा है सभी साधक हैं। आशीर्वाद, जय गुरु। इसलिए कह रहा था कि दत्त भैया का, शिवा भैया का, उदय महाराज का ये कथन था मुझे, गुरुजी कोविड है कोई नहीं आए, और कोविड है तो क्या मेरे सिद्धार्थ साधकों को मृत्यु का भय है? सभी को है गुरुजी, आप क्या बात करते, सभी मृत्यु से डरते, कोई कोविड को नहीं आने वाले, आप बस छोटा सा पंडाल डाल दो, काम खत्म कर दो, लोग नहीं आने वाले। मैं बोला जो आएंगे तो आप तो ये बात मानना पड़ेगा कि वो मृत्यु भय से दूर है, उनको मृत्यु का भय नहीं है, गुरु की रक्षा है, जानने वाले। जो आए हैं वो गुरु पर आधारित है, गुरु पर भरोसा करके आए हैं, और जो नहीं आए हैं अपने आप पर भरोसा करने वाले हैं। दोनों भी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। मैं आप सभी को जो प्रातः साधना मैंने परमेश्वर गुरु की साधना दी थी, ये इसलिए दी थी कि आजकल परसों जो भी आप साधना करेंगे और इसके बाद जो भी साधना करेंगे आप, उसकी सफलता, उसकी सिद्धि आपके जीवन में होनी चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन में यह लक्ष्य रहा है कि मेरे पास आने वाले साधक रोती सूरत बनाकर पूरे बीमार हुए, उनके ऊपर आंसू हंसी नहीं है, भिखारी के बीच में नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो सदृढ़ बनकर आना चाहिए, और कहना चाहिए प्रभु प्रभु हम आपके शिष्य हैं, और मैंने मेरे परम पुण्य सद्गुरुदेव से यही मांगा था। 7 साल मैंने बहुत बार कहा, 7 साल मेरी परीक्षा ली थी परम पुण्य सद्गुरुदेव जी ने, मैं सरकारी नौकरी था उसको छोड़कर इसमें आया, और उस सरकारी नौकरी छोड़ने का केवल भरोसा यह था कि मेरे गुरु जी और गुरु जी की साधनाओं में बल है तो मैं संसार को बताऊंगा, नहीं तो अपने आप को खत्म कर दूंगा, ये साधना में शक्ति नहीं है, दो ही काम करूंगा, या तो गुरु जी का शिष्य बनकर सामर्थ्यवान बनकर जी के बताऊंगा, और यही प्रार्थना मैंने गुरु जी के चरणों में की थी। आज जो आप ये सब देख रहे हैं या बैठे हुए हैं तो इसमें गुरु कृपा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि न मेरे माँ बाप कोई करोड़पति थे, न मेरे सास ससुर करोड़पति या कोई नहीं, केवल करोड़पति तो मेरे शिष्य हैं, और उनके ऊपर ये सारी जो आस्था है, उनकी चेतना में खड़ा है, उन्हें उनकी आस्था श्रद्धा भक्ति जो है वो मुझे आज भी उस प्राणों को चैतन्यवान बनाती है कि मुझे कुछ करना है जो गुरु जी ने मुझे कहा था। परम पुण्य सद्गुरुदेव जी भी कहा करते थे कि जोशी मेरा शिष्य भीख मंगा नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, साधनात्मक दृष्टिकोण से वो श्रेष्ठ होना चाहिए और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करने वाला, किसी भी समस्या से जूझने वाला ही मेरा शिष्य हो सकता है, भाग कर खड़ा होने वाला मेरा शिष्य नहीं हो सकता, उसको उस समस्या से जूझना है, और जो समस्याओं से जूझेगा वो उसको मैं पार लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 1997 की गुरु पूर्णिमा देखते हैं तो हुआ ये था कि आज जैसा है उसी दिन भी, उस दिन भी बकरीद थी, और बकरीद के कारण क्या हुआ, हम बकरीद के कारण वो जिस जहां मैं साधना शिविर लगाने वाला था वहां 40 सालों से और लोगों का प्रोग्राम चलता था, नुमाइश का ग्राउंड है, एग्जीबिशन ग्राउंड है, वहां उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। अब गुरु जी आ गए और हुआ ये गुरु जी को जल्दी थी, 10 बजे कार्यक्रम आरंभ हो जाए, 9 बजे कार्यक्रम हो गया, वो लोगों का कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा था। अब गुरु जी का पारा चढ़ रहा था कि जैसे क्या हो रहा है यार, अभी 10-11 बज गए, अभी लोग नहीं है, अभी मेरे को जाने नहीं दे रहा। मैं कहा गुरु जी वो दूसरों का कार्यक्रम है 40 साल से, अब उनके गुरु के सामने क्या वो बात कर सकता हूँ, बात इसलिए ऐसा वैसा करते हुए उनको समझा के इनको समझा के सब करे थे कि बुझ गया। और मैंने गुरु चरणों में कहा कि प्रभु आइए, क्योंकि वहां पर भिड़ंत न हो जाएगी दोनों की, पहले हैदराबाद का नाम बहुत श्रेष्ठता से चढ़ा हुआ इस बारे में, फिर उनसे बात हुई, गुरु जी आए, साधना संपूर्ण शुरू हुआ। गुरु जी ने जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन कहा कि मैंने जोशी की बहुत सारी परीक्षाएं ली, इतनी परीक्षा ली कि उस परीक्षा में कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खड़ा रहा, वो जीता, और आज हमारे सामने
में शिविर है, उन्होंने अगर आप गुरु पूर्णिमा का शिविर निकाल कर देखो, आज उसको उसके ऊपर सिद्धाश्रम के योगी भी, सिद्ध भी, साधना साधक भी उसके ऊपर ईर्ष्या करते हैं कि उसका इस शिविर ना होने दे। तो ये मुझे पहली बार नहीं है, आज वर्षा हो रही है तो भी मुझे मेरी अड़ते निर्माण कर रहे हैं। क्यों? कि अगर ये करेगा, ये जो साधना आज मैंने सुबह तुम्हें दी है वो पार्वती गुरु सिद्धाश्रम की साधना है। अब ये शिक्षकों को ये दे देता है तो ये सब लोग सिद्धाश्रम को लाइन लगाएंगे, इनको लगाने नहीं देना चाहिए। अब और हमें क्या कार्य करना चाहिए, हमें किसी ने जो ज्ञान दिया है उसको लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ, अब रोज रोज का दिन में ये भावना निर्माण हो रही है कि ऐसा कितने दिन, आज हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप भी बहुत शिविरों में गए होंगे, बहुत सारे गुरुओं का निर्माण भी हुआ है, बहुत सारे गुरु बैठे रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ, पर मुझे सतगुरु स्वामी विखरे स्वामी जी का, चाहे वो माने या ना माने, मैं तो उनको उनका शिष्य मानता हूँ। क्यों? कि स्वामी विखरे स्वामी का शिष्य बनने के लिए बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और ऐसी ऐसी परीक्षा नहीं होती जिस परीक्षा से गुजरा और किसी ने कहा अगर विखरे स्वामी स्वामी ने अपना आपका नाम उनके मुख पर आ गया तो समझो आप देवता बन गए या शिष्य बन गए। तो यह बात मेरे जीवन में हुई है, इसलिए मैं अपने आप को गुरु जी का शिष्य मानता हूँ। इस घड़ी में भी जो आज वर्षा हो रही है, मैं अभी भैया से बात कर रहा था, अरे क्या वर्षा हो रही है, और ऐसा भैया ये पहली बार है क्या ऐसा इस शिविर में, ऐसा भी दिन देखा था हमने, पूर्ण बारिश हो रही है और उसमें हमारे शिष्य सब लोग आनंद के साथ नाचते हुए साधना कर रहे हैं, ये भी दिन मैंने देखा। बहुत प्रयत्न किया हूँ कि आपको असुविधा ना, आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका बहुत प्रयत्न किया, फिर भी उनका काम वो कर रहे हैं, प्रकृति है, नियति है, जिनके कंट्रोल में वो कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वो करें और मेरे शिष्य उस परीक्षा में सिद्ध होकर बताएं, हम बारिश में भी साधना करके बताएंगे ये साधना होगी ही होगी। और जिस बात जिस दिन इस बात को बताएंगे वो हारना तो उन्हें है, हमें नहीं, हम तो जीत को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि हमने प्रभु सद्गुरुदेव स्वामी विखरे स्वामी जी के गले में हार पहनाया है और हमें वो जीत जरूर देंगे, हम हारेंगे। मेरे जितने भी साधक हैं आगे बढ़ेंगे, मैं ये चाहता हूँ और मेरी चाह हर बार यही बनी रही आपको ये बताना चाहता हूँ। स्वामी विखरे स्वामी जी ने हजारों साधनाएं की हैं, हजारों शक्तिपात दीक्षाएं की हैं, लेकिन मैं एक व्यक्तित्व को भी ऐसा नहीं देखा, देखना चाहता हूँ जो चैलेंज के साथ कह सके कि ये देखो मैंने काली प्रत्यक्ष की है, आपको काली को बता देता हूँ, और ये जब तक नहीं होगा तब तक मेरे गुरु का नाम मैं संसार में बताने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी। अरे हर बार मैं बताता हूँ कि जिसने भी पत्रिकाएं लिखी है, जिसने भी पुस्तकें लिखी है, उन सभी के पास हम सब लोग जाएंगे, चरण पकड़ेंगे, भाई तुमने साधना जो लिखी है वो साधना तुम करो और बताओ कि जीवता प्रत्यक्ष है तुम्हें, हम तुम्हारी लंगोट भरेंगे। एक भी आदमी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? केवल आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग साधना करवाते हैं, क्योंकि किसी ने ये बात धड़ल्ले के साथ नहीं कही कि मैं ये कार्य करके बता सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे के दिनों में ये कार्य मैं आपको करके बताऊं, मैं जिस मंत्र के देवता उठ जाता हूँ आप सभी को उसको दर्शन करवाऊंगा, उस दिन मैं गुरु जी का शिष्य करवाऊंगा, इसीलिए मैं आगे के जीवन में हिमालय जाना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि गुरु जी का नाम संसार में हो, गुरु जी की जो साधना है कही हुई है संसार देखे, यहाँ आपके सामने अप्सरा आकर नृत्य करे, ये मैं बताना चाहता हूँ और ये होना चाहिए। और जिस दिन नहीं होगी तब तक आपका भरोसा विश्वास मंत्रों पर साधनाओं पर नहीं होगा, मैं जो सच कहता हूँ या नहीं कहता हूँ आप बोलो सच है या नहीं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम केवल गुरुचार पहले में गुरुमंत्र करने वाले होंगे, जो भी पुस्तक लिखे हैं, जो भी पुस्तकें लिख रहे हैं, जो भी पत्रिका कर रहे हैं उनको बोलो उस पत्रिका में आपने जो साधना दी है प्रभु आप यहाँ खड़े रहो साधना करके बताओ कि यह साधना में सिद्धि है, और ऐसा आपको आज मिलेगा। ऐसा कितने दिन मिलेंगे, ऐसा कितने दिन हमारा जीवन यूं ही बीतेगा, हमें कोई ना कोई तो ऐसा मार्गदर्शक हो जो कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे भगवान को खड़े करना, अप्सराओं को खड़े करना, यक्षिणी को खड़े करना ये मेरी शक्ति है, मैं इसे बता सकूं, ऐसा करने वाला एक तो हूँ, और इसके लिए साधनों की जरूरत है, बैठ कर शक्तिपात दीक्षा लेने से या बैठ कर महाराज मुझे कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको बहुत सारे लोगों को ये देखते हुए देता हूँ, इसके मैं ये कहता हूँ कि आपको कभी मायूस देखना नहीं चाहता, आपके चेहरे पर वो खिला हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ जो संसार देखना देखेंगे कि डॉक्टर नारायण श्रीवाल जी के शिष्य है और ये संसार भर में वो कार्य कर सकते हैं जो विज्ञान नहीं कर सका, जो असंभव कार्य संभव करने वाली क्षमता रख सकते हैं, ये दिक्कत।
शिष्य बनने के लिए हमारी पहली हमारे जीवन की कमजोरी है पैसा। हम कहाँ अटक गए हैं? गुरुजी अगर मैं हिमालय आपके साथ आ गया तो मेरी बीवी का क्या होगा? मेरे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका क्या होगा? मैं घर बांधना चाहता हूँ, उसका क्या होगा? गुरुजी लोन करके रखता हूँ, लोन कैसे चलेगा? ये सब हमारी चिंताएं हैं। हम जब इसी को इसको सिद्ध नहीं कर सकते, अगर इसको हम पार नहीं कर सकेंगे तो हम कब जीवन में हिमालय जा सकेंगे या अपने सारी चीजों कर सकेंगे? इसके होते हुए भी बहुत सारे लोग आना भी चाहें तो मैं गुरु जी ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर चल सकता हूँ, 10 किलोमीटर तो नहीं चल सकता। और 10 किलोमीटर चला भी तो एक बात बता देता हूँ, गुरु जी कड़ाके की भूख लगेगी, आप जंगल में ले जाएंगे तो खाना खाएंगे क्या? अरे मैं कहता हूँ तू भरोसा मेरे पर कर, मैं कहाँ में है तुझे खाना मिलेगा? वो उसको भरोसा नहीं है, मैं तो 10 किलोमीटर चलाऊंगा जरूर, तब तक तेरी परीक्षा देखूंगा जब तक तू गिर नहीं जाएगा। गिरने के बाद खाना दूंगा, लेकिन गिरे तक तू मेरे साथ आ सकता है नहीं तो बीच में छोड़ के चला जाएगा, इसकी परीक्षा जरूर होगी। जिस दिन तो बीच में छोड़ के चला गया ये मेरे साथ चलने की क्षमता नहीं रखता, ये बात देखता हूँ। क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं, आप छपे में ये चिंताएं भरी पड़ी हुई है। तो आप तीन बाधाओं से, कोई शरीर से वीक है, कोई घर के परेशानियों से वीक है, कोई अपने बच्चों से, कोई ऋण से, कोई किसी से, अपने आपके भाग्यों से, अपने आपके चीजों से हर एक आदमी परेशान है और वो आगे आना नहीं चाहता, इसलिए कि ये सब तक ये जब तक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तब तक मेरी मैं कार्य आगे नहीं कर सकूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जब यहाँ आए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गुरुओं को आपने देखा है, मैं कभी भी यही कहता हूँ शक्तिपात दीक्षा का अर्थ होता है तुम्हें साधना करने की शक्ति प्रदान।